गया के चेरकी पंचायत स्थित खंडेल उर्दू मध्य विद्यालय का कई वर्षों से भवन अति जर्जर हो गया है, जिसके कारण आए दिन बच्चे और शिक्षक दुर्घटना की आशंकाओं से घिरे रहते हैं। वहीं बच्चों के माता पिता विद्यालय में बच्चों को भेजने से डरे सहमे रहते हैं। मुखिया पत्नी जावेद खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह विद्यालय बहुत पुराना है, हमारी 3 पीढ़ी का तालीम इसी विद्यालय में हासिल किया गया है, लेकिन विद्यालय के भवन निर्माण को लेकर कई बार जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय भवन को विस्तार करने के लिए गांव के लोग जमीन भी देने के लिए तैयार हैं। जब मीडिया में इसके खबर को चलाया गया तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को मालूम हुआ, लेकिन ड्यूटी पर पदस्थापित होकर करते हैं क्या? ये लापरवाही बच्चे के जीवन से खिलवाड़ हो रही है। शिक्षा पदाधिकारी सोमवार को विद्यालय में पहुंचकर जांच पड़ताल की है। इस विषय पर मीडिया से बात करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि विद्यालय का भवन निर्माण कार्य के लिए अग्रेतर कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जल्द ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। विराट 24 न्यूज के लिए गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्योंकि वहाँ पे सर ये भी मतलब टीचर का कहना था कि मतलब बच्चे नहीं आते हैं, इसलिए कि वहाँ पर बिल्डिंग दो ही रूम है ही, बाकी सारा रूम है। तो वो तो वो लोग जमीन देने के लिए तो बोल रहे हैं कि हम लोग जमीन दे रहे हैं, देने के बाद नहीं होगा। अच्छा, जमीन जब तक राज्यपाल के नाम से नहीं हुआ तब तक फंड नहीं मिलेगा। अच्छा, राज्यपाल के नाम से हो जाएगा तब हम लोग राज्य की मांग करेंगे। भवन बहुत पुराना भवन है, बहुत पुराना स्कूल है ये, मतलब हमारा पूरा खानदान इसी स्कूल से पढ़ा, हम खुद भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, लेकिन आज जब ये स्थिति देखते हैं तो हम अपने आप को दोषी ज़्यादा मानते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं कुछ इसमें। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि इसके बारे में ऑलरेडी 24 फरवरी को सारे पदाधिकारियों को एक चिट्ठी भेजी जा चुकी है कि इसको फौरन जो है, उसमें हम लोगों को कहा गया कि इसकी ज़मीन थोड़ी कम पड़ रही है तो ज़मीन का भी इंतज़ाम हम लोगों ने किया कि अगर अपने पॉकेट से ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, चाहे वो 1 कट्ठा या 1.5 कट्ठा जितनी भी ज़मीन की ज़रूरत होगी, लेकिन इस स्कूल को बदलना है और उसके लिए अब ये है कि एक लेटर लिखा, उसका अभी तक कोई हम लोगों को जवाब तो नहीं आया, जिसमें डीएम साहब को भी हमने कॉपी किया था और उसकी अगर चाहिएगा तो मैं लेटर की कॉपी भी आप लोगों को दे दूंगा। सर के किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजे हैं अधिकारी लोगों को लेटर? ये मुखिया के इससे किया है, मुखिया पुलवा देवी के ईमेल आईडी से जी एक लेटर भेजा गया था इसको कि ये स्कूल की हालत बहुत जर्जर कंडीशन में है जी। 2 रूम इसके इस तरह से हैं कि कभी भी गिर जाएंगे तो वो बंद कर दिए गए हैं रूम, उसमें बच्चे नहीं बैठते हैं, और ये है कि बाकी 2 रूम जो हैं वो थोड़ा सा ठीक ठाक कंडीशन में है तो उसमें क्लासेस चलती हैं, लेकिन ओवरऑल बिल्डिंग जो है वो इस लायक नहीं है कि वो स्कूल का शेप दे सकें या उस पर काम पढ़ाई हो सकें।